बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य में माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के लिए लगभग 70,000 शिक्षकों की नई भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों की नई भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि मंत्रिमंडल ने विभिन्न कक्षाओं के लिए 69,692 शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। पीपीएससी की यह प्रक्रिया फिलहाल राज्य में चल रही है। पीपीएससी की यह प्रक्रिया फिलहाल 1,70,000 भर्ती पूरी करने के बाद शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य में पहले पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति अब बीपीएससी द्वारा की जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षा सेवकों और विकास मित्रों के मासिक मानदेय बढ़ाए जाने को भी मंजूरी दे दी है। सिद्धार्थ ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत लगभग 30,000 शिक्षा सेवकों का मासिक मानदेय 11,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 22,000 रुपए किए जाने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के एससी और एसटी कल्याण विभाग के तहत राज्य के विभिन्न पंचायतों में काम करने वाले लगभग 9,825 विकास मित्रों का मानदेय 1 सितंबर से 13,700 प्रति माह रुपए बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने की मंजूरी दी गई है। अब उन्हें हर साल 5% वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलेगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।